हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जशी टेट। आई होप आप सभी पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव माइंड रख रहे होंगे, अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, तो आप अपने पर्सन को ध्यान में रखें, उनका नाम मन में ले लें और उनकी इमेज को ध्यान में करें। द फूल, नाइन ऑफ वॉन्ट, टेन ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो तैयार हो जाइए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ज़रूरी है। न्यू बिगनिंग के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ कंप्लीशन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। आपके पर्सन पूरी तरीके से पैशनेट हैं आपके लिए। यहाँ पर आपके साथ कंप्लीशन मिलाने के लिए, आपका और उनका रिलेशनशिप को कंप्लीशन मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसको दूर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में हैं, केयरिंग एनर्जी में हैं। यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी करना चाहते हैं, बहुत फास्ट मोमेंट में करना चाहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखना है उन्हें, बस उन्हें उनकी लाइफ में एक नए सिचुएशन को देखना है। वो नई सिचुएशन क्या है, वो है टर्न ऑफ कप्स। आपके साथ सिचुएशन को वापस से पाना, आपके साथ वापस से रीयूनाइट होना, आपके साथ चीज़ों को क्लियर करना, आपके साथ बैलेंस करना। जो लोग नहीं मान रहे, जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको मनाना, उनको ठीक करना, उनसे बात करना और इस ऊर्जा में लेकर आना। ये ऊर्जा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इस सिचुएशन में आपके पर्सन चाह रहे हैं कि जितने भी कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कार्मिक चीज़ें जितने भी हैं आपके पर्सन के लाइफ में, सारी की सारी निकलेंगी, तब वो आपके साथ जो है रीयूनाइट करेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन रीयूनाइट करेंगे। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनके लाइफ में, आगे पीछे जो भी चल रही हैं, वो बहुत जल्दी यहाँ पर मुझे एंडिंग उनकी दिखाई दे रही है। एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है आपके और उनके बीच में। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेबल होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं कि उनका एंड हो रहा है यहाँ पर धीरे धीरे, और वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है वो आपसे मिलने भी आ सकते हैं, अपनी बातों को कह भी सकते हैं। तो मिलने की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरी ऊर्जा दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मुझे कब ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो डेस्परेट हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने रीयूनियन को लेकर, आपके साथ मिलने को लेकर, आपके साथ अपनी चीज़ों को। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड हैरोफेंट, ये लीजिए शादी, कंप्लीशन, टेन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक रिश्ते में बंधना चाहते हैं। और ये ऑलरेडी किंग ऑफ कप्स आ गए, रोमांस, इमोशन से भरा हुआ ये कार्ड है। ये सब कुछ आपके साथ वो चाहते हैं, एक दायित्व निभाना चाहते हैं, एक अच्छे बॉयफ्रेंड का, एक अच्छे लवर का, पति का, जो भी आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप है उसको करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं। आपके और उनके बीच में एक नया सिरा ढूंढ रहे हैं, वो नया सिरा ढूंढ रहे हैं। उनके मन में चल रहा है कि हमें जल्दी से एक नया सिरा मिले, कड़ी मिले और हम एक हो जाएं। अबंडेंस देखना चाहते हैं आपके साथ। अगर कास्ट इश्यूज हैं या अदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाए, आपके पर्सन और आप एक हो जाएं। आप लोगों के बीच में जितने भी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं ना, जितने भी मैंने कहा कार्मिक चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होंगी, जैसा कि मैंने कहा। तो ये सामाजिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, समाज नहीं मान रहा, सोसाइटी नहीं मान रही, लोग क्या कहेंगे। आपके पर्सन किसी बड़े उस पे पोस्ट पे हो सकते हैं, या आप किसी बड़े पोस्ट पे हो सकते हैं, या आपकी एज बड़ी हो सकती है, या उनकी एज बड़ी हो सकती है, कोई एक अनमैरिड हो सकता है, एक मैरिड हो सकता है। ये सिचुएशंस को निकाल कर यहाँ पर अपनी लाइफ में एक अबंडेंस ढूंढने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ग्रोथ चाहिए, अपने रिश्ते को मुझे पाना है। बहुत चिंता में है, बहुत टेंशन में भी है कि हमारा रिलेशन जल्दी से जल्दी बस पूरा हो जाए, हमें कब नई शुरुआत मिलेगी इस रिश्ते में, हमें वापस से मेरा पर्सन कब मिलेगा, मैं अपने इमोशंस को शेयर। थोड़ा सा शाई हो सकते हैं यहाँ पर आपके पर्सन, लेकिन अब आप चाहते हैं कि मैं अपने पर्सन को वापस पाऊँ और उनसे बताऊँ, जितने भी हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ, जस्टिस करें वो आपके साथ अपनी सिचुएशंस को। पैशनेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं, टेन ऑफ कप्स कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ हर तरीके से। तो ये हैं आपके पर्सन के कुछ करंट थॉट्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके फेवर में हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।